हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा चौथी विषय गणित की वर्कशीटों का हल करेंगे। यह वर्कशीट बीजकोश की जो पुस्तकें हैं समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी हुई है। बच्चों, इसमें कक्षा चार के खंड आ विषय गणित 2022-23 जिसके वर्कशीट क्रमांक 21 जिसमें हम घटाने की समझ को समझेंगे। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, वर्कशीट क्रमांक 21 को देखेंगे, घटाने की समझ। उदाहरण जो है इसमें दिया हुआ है, हम देखेंगे क्या है उदाहरण। क्रिकेट मैच के विषय में इसमें दिया गया है, एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए, अभी तक भारत ने 123 रन बनाए हैं, भारत को जीतने के लिए और कितने रन चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। भारत को जीतने के लिए 236 रन बनाने हैं, जीतने के लिए और कितने रन जरूरी है। तो यहाँ हम देखेंगे 236 रन, 123, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करेंगे, अंदाज़ा लगाओ भारत को जीतने के लिए चाहिए 100 रन से ज़्यादा, खा 100 रन से कम, ये हमारा अंदाज़ा है। तो हमको अंदाज़ा लगाना है और हम यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से स्कोर बोर्ड जो है, ये ग्राउंड है, खेल ग्राउंड है, यहाँ स्कोर चल रहा है नंबर वन टोटल और नंबर थ्री। तो यहाँ देखिए आप, स्कोर बोर्ड है 6-1 और 123, यहाँ 152, इस प्रकार विकेट जो हो गए दो हो गए हैं और लास्ट मैन एक बचा ओवर 30। यहाँ पर खिलाड़ी जो है सब अपने अपने पिच पर लगे हुए हैं, अपने अपने जगह पे ग्राउंड में, और यहाँ पर बल्ला जो है खिलाड़ी लेकर के ढूंढ रहा है रन बनाने के लिए इधर, और यहाँ जो है बाल को पकड़ने के लिए सब देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है हमको इस क्षेत्र में देखना है। अब चलो घटाते हैं, पहले एक में से दूसरा एक लेते हुए, तो यहाँ पर हम देखेंगे जीत के लिए रन 100, हम इसमें स्थानीय मान की समझ भी देखेंगे। तो 100 में हम देखिए कैसे जोड़ा लिखेंगे, 100, 10 और 1। भारत के रन 236 माइनस हम करेंगे 123, यहाँ पर देखें एक, अब यहाँ जरूर रन है हमको कितने प्राप्त है, इसमें हम घटा देंगे तो 6 में से 3 गए तो 3, 3 में से 2 गए तो 1 और 2 में से 1 गए तो 1। तो हमको जीतने के लिए जरूर रन है 113 रन हमको बनाने हैं। यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से हमारी यहाँ पर कटिंग हुई है। यहाँ देखिए आप 100 माइनस 10 में 10, ये इस प्रकार से कटिंग हुई। अब हमारे पास बचे हैं 100, 10, तो 111, यानी भारत को जीत के लिए चाहिए 113 रन। कैसे, 100, 10, 111 और 1, यानी 100 का 1, 10 का 1 और 1, 2 और 3, इस प्रकार 1, 2, 3 हमने यहाँ पर देखा कि जो है 10 यहाँ पर कट गया था और यहाँ पर 1, 1, 2, 3 ऐसा बचा हमारे पास 113 रन। तो दैनिक जीवन में बच्चों इसमें हमने दैनिक जीवन में संख्याओं को हल करने में तीन अंकों की संख्याओं का जोड़ एवं घटाना इसमें हमने सीखा इस वर्कशीट में। इसके बाद हम देखेंगे वर्कशीट 22। तो वर्कशीट 22 में क्या है, इसमें भी घटाने की समझ है जिसमें हम अपने आप करके देखेंगे। तो गीता के बटुए में 368 रुपये है, उसने 123 रुपये की एक किताब खरीदी, उसके बटुए में अब कितने रुपये शेष बचे हैं। उसके बटुए में बचे हुए रुपये 368 माइनस 123 हमको ज्ञात करना है। तो 368 में 123 को घटा देना है। तो हमको यहाँ देखिए आप, गीता जो है उसका बटुआ रुपये
23 और ये गीता है। अब इसमें अंदाज़ा लगाना है, अंदाज़ा लगाओ गीता के बटुए में बचे हुए रुपए, तो 200 रुपए से ज़्यादा खा कह रहा है और खा कह रहा है 200 रुपए से कम। अब हमको अंदाज़ा लगाना है इसमें से कितने रुपए बचे हैं, तो यहाँ हम उसको हल करेंगे। देखिए आप, गीता के बटुए से 368 रुपये है ना, उसमें से किताब की कीमत 123 रुपये है, 123 को हम घटा देंगे तो 8 में से 3 गए तो 5, 6 में से 2 गए तो 4 और 3 में से 1 गए थे 2, तो उसके जो शेष बची राशि है उसके पास में 245 है। उसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, 3 तक की संख्या है इसलिए 1, 2, 3 इकाही दाही और सैकड़ा, तो इस प्रकार हम उसको अलग अलग करके 10-10 में विभक्त कर, एक एक में विभक्त कर, इस प्रकार से हम उसको निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमने इस गणित के सवाल को हल किया। बच्चों इसी प्रकार और वर्कशीट देखिए आप, 23, इसमें भी घटाने की समझ है। इसमें हम हल करेंगे, राहुल और सोहन कंचे खेल रहे हैं, राहुल के पास 468 कंचे हैं और सोहन के पास 324 कंचे हैं, तो बताओ राहुल के कंचे से सोहन के कितने कंचे कम हैं। तो इसमें हम हल देखेंगे, हल में राहुल के पास कंचे हैं 468, सोहन के पास कंचे 324। अब इसको हम 468 में 324 को घटा देंगे तो सोहन के पास जो है शेष कंचे हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम घटाते हैं, 8 में से 4 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से 3 गए तो 1, 100 के पास जो है 144 कंचे कम है, ये हमारे पास हल निकल कर आ जाता है। ये हमने देखा उदाहरण के माध्यम से। अब देखेंगे बच्चों हम अभ्यास 1, रानी के पास 252 फूल है, शबनम के पास 149 फूल है, तो बताओ शबनम के पास रानी से कितने कम फूल हैं, ये हमको ज्ञात करना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ इसके लिए हमारे पास में जो है 252, रानी के पास जो फूल है 252 है और शबनम के पास 149 फूल है, तो हम 252 में से 149 को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए आप, 2 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इसलिए हम दाएं वाली संख्या से एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9 गए तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गए तो 0, यहाँ 2 में से 1 गए तो 1, 103 यहाँ पर, तो 103 कंचे जो है शबनम के पास कम है। तो आंसर लिख देंगे, शबनम के पास रानी से 103 फूल जो है इसमें कम है। इसके बाद अभ्यास 2 में देखेंगे, टीना के पास 800 रुपये है, उसने बाज़ार से 180 रुपये में एक केक खरीदा और 350 रुपये के कपड़े खरीदे, बताओ टीना के पास कितने रुपए बचे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसका हल करेंगे, टीना के पास कुल रुपए है 800। अब टीना ने 180 रुपए का केक खरीदा एवं 350 रुपए का कपड़ा खरीदा, कुल उसकी खरीदी जो हुई है वो हम 180 में 350 को जोड़ देंगे, तो 180 प्लस 350 तो शून्य 8 और 5 13 3 हाथ के 1 3 और 4 और 1 5 530 रुपये का सामान खरीदा गया टीना के द्वारा। अब 800 में से 530 को हम घटा देंगे तो यहाँ हमारे पास में शेष राशि यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो हम घटाते हैं 800 में से 530 को, तो 0 में से 0 गए, 0 बचे, 0 में से 3 नहीं घटेगा इसलिए सैकड़ा से हम यहाँ पर उधार लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2, 270 जो है टीना के पास शेष राशि बचेगी। इस प्रकार बच्चों हमने ऐसे जोड़ घटाव की विधि को समझा। इसी प्रकार के और नेक्स्ट वर्कशीट के प्रोजेक्ट को समझने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।